ओके तो दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किए थे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या किए, सबसे पहले पहली वीडियो मतलब वीडियो नंबर वन मतलब पार्ट वन में हम लोगों ने बात की है कि कैटेनरी क्या होता है। देन हम लोगों ने कैटेनरी के बाद देखा कि कॉमन कैटेनरी क्या होता है। देन कॉमन कैटेनरी के बाद हम लोगों ने पार्ट वन में स्पेशल जो हमारा था पार्ट वन का मोटो उसमें देखा हम लोगों ने इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है। देन हम लोगों ने देखा पार्ट टू कैटेनरी का जो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट कैटेनरी में। तो हम लोगों ने पार्ट टू में क्या देखा, पार्ट टू में हम लोगों ने देखा कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कार्टेशियन, हाँ तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो पार्ट थ्री में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू को लेकर ही आज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेनरी करने वाले। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट कैटेनरी में जाके इन दो वीडियोज़ को दे सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेनरी समझने में बहुत आसानी होगी। तो पार्ट टू में हम लोगों ने देखा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। देन हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर, जैसे कि क्या कि इस कैटेनरी मतलब कॉमन कैटेनरी के दो इक्वेशन में मतलब क्या, पहला इक्वेशन था हमारा इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, है ना, इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या था हमारा, वो था हमारा स्मॉल एस इज इक्वल टू सी टेन शाय। और देन हम लोगों ने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी में क्या इक्वेशन फाइंड आउट किया था, हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वाई इज इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाय सी। और इन दोनों में अगर कुछ डिफरेंट है तो ये है कि इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी में कभी भी आपको एक्स और वाई की टर्म नहीं दिखेंगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको इस टेंशन और इस शाई एंगल पर काम किया था। लेकिन हम लोगों ने जब कार्टेशियन इक्वेशन लिया तो हम लोगों ने एक्सिस की बात की और स्लोप की बात की, इसीलिए आपको कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स और वाई की टर्म हमेशा दिखेंगी, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या इम्पॉर्टेंट कुछ जैसे इस कैटेनरी में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो सबसे पहला क्या है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें एक्सिस क्या होता है ना, एक्सिस क्या होता है। तो ये जो वाई एक्सिस है ना, यही हमारे लिए एक्सिस है ना, मतलब क्या, ये जो वर्टिकल एक्सिस है अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द एक्सिस ऑफ वाई मतलब ये वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ वाई इज इन द वर्टिकल थ्रू द लाइन पॉइंट सी, मतलब ये पॉइंट सी से जो हम लोगों ने एक्सिस ड्रॉ किए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्सिस। नहीं, हम लोग बात करेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स ये होता है कि ये जो पॉइंट सी है ना, सी इज कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑफ कॉमन कैटेनरी, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स। देन एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें ये भी होता है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स ये होता है द एक्सिस एक्स एक्सिस, दो मतलब जो एक्स एक्सिस है विच इज़ हॉरिजेंटली एट द डेप्थ ऑफ सी, मतलब ये सी डिस्टेंस से अगर कोई एक्स एक्सिस जा रही है बिलो द पॉइंट स्मॉल सी इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। देन हम लोग बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म के ऊपर, फर्स्ट वन इज स्पैन एंड सेकेंड वन इज सैग। तो स्पैन क्या होता है पहले ये देखेंगे, तो ये जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है ना हमारा, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है हमारा थ्रू द एक्सिस, मतलब अगर हम लोग इसको एक्स मान लिए और इसको भी एक्स मान लिए तो ये एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स, है ना। मतलब क्या कि ये जो ए से बी का डिस्टेंस है अगर हमने उसको एक को ए से डी को एक्स मान लिया और डी से बी को मान लिया एक्स, तो हमारा जो स्पैन होगा वो हो जाएगा टू एक्स, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्पैन। देन अब हम लोग बात करेंगे, और हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नॉट वर्टिकल, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही हमको हमेशा स्पैन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा स्पैन। अब हम लोग बात करेंगे सेग की। तो सेग क्या है, सेग है ये जो सी से लेके डी तक का डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा इट्स कॉल्ड एज सेग। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द डिस्टेंस सी डी इज कॉल्ड एज सेग,
where D is the midpoint, where D is the midpoint of AB, है ना, ये AB का क्या है, midpoint है D, और if the coordinate of this plane, coordinate की बात करें तो ये x x हो गया 2x, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं A is AB, AB x comma y x और y axis पर, तो ये हमारा स्पेन मतलब हो गया, सॉरी स्पेन नहीं, हाँ स्पेन हमारा हो गया था 2x और हमारा सेग हो गया ये डिस्टेंस। तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें जैसे कि सी डी या फिर डी सी, तो अगर ये डी सी मान लिया हम लोगों ने तो डी सी इज़ नथिंग बट ओ डी, है ना, डी सी को अगर डी सी एक पार्ट है छोटा सा इस ओ डी का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ सी, है ना, डी सी इज नथिंग बट ओ डी, ओ डी माइनस ओ सी, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट्स कॉल्ड एज वाई माइनस सी। तो ये हो गया हमारा सेग, और सेग, हाँ सेग हो गया। एंड देन लास्ट टर्म है पैरामीटर, तो पैरामीटर हमारा क्या है, ये जो ओ से लेके सी तक का जो स्मॉल सी डिस्टेंस है यही हमारा है पैरामीटर, द क्वांटिटी सी, पैरामीटर द क्वांटिटी सी इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक टर्म्स, फर्स्ट वन इज वर्टेक्स, सेकंड वन इज डायरेक्ट्रिक्स, स्पेन सेग एंड देन द पैरामीटर, ये स्मॉल सी को ही हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। एंड देन अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेनरी। हाँ देन अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कॉमन कैटेनरी की, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, मतलब हम लोगों को इस एस और एक्स के बीच का रिलेशन निकालना है। मतलब क्या कि हमारे पास, हमको क्या निकालना है एक्चुअली, मतलब हम लोगों को निकालना है स्मॉल एस इज इक्वल टू सी साइन एक्स बाय सी, ये हम लोगों को, ये हमारा एस और एंड के, एस और एक्स के बीच का डिफरेंस। तो लेकिन हम लोगों को ये कैसे आया ये पता करना है, और हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोगों के पास दो फॉर्मूलेज है, फर्स्ट वन इज इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी एंड देन सेकेंड वन इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो हम लोग इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके इस टर्म को, मतलब इस एस और एक्स के बीच का डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या टर्म है, हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू सी टेन शाय, हम लोग जानते हैं कि S इज इक्वल टू टी शेन सा है, इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो हम लोग इस इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी का यूज़ करके इसको S इज इक्वल टू टी, और हम लोगों ने जब इसका इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी का प्रूफ किया था, अगर आप नहीं देखे वीडियो तो देख लो, तो हम लोगों ने इस टेन साई की जगह लिखे थे डी वाई बाय डी एक्स, और हम लोग इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। एंड देन हम लोग यहाँ से अगर डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, तो ये हमको मिल जाएगा एस बाय सी, और इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर टू। और देन हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है, तो वो होता है वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स बाय सी, है ना, तो ये हो गया। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर वन टू थ्री का यूज़ करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, सी साइन, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाई है, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और ये हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स बाय सी और वन बाय सी। तो अगर इस सी से सी कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया साइन एक्स, हाँ हमारे पास क्या बच गया, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का एच और एक्स बाय सी, और डी वाई बाय डी एक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, इज एस बाय सी, तो ये हो गया एस बाय सी। देन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को ये आला चाहिए, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू सी, ये इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स बाय सी, और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स। एंड देन हम लोग देखेंगे सेकेंड वन इज क्या है, हमारा सेकेंड वन इज
सेकेंड वन इज हमारा रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई. मतलब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ये है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. हम लोग जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैटेनरी के ऊपर, तो आप लोगों को ये जैसे रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स बोला तो हम लोग को ये डायरेक्टली याद होना, लेकिन हम लोगों को ये आया कैसे वो फाइंड आउट करना पड़ता है करके हम लोग इसका छोटा छोटा प्रूफ आपको बता रहे हैं. तो हम लोग अब प्रूफ करेंगे रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई, है ना, जो हमको मिलने वाला है कुछ इस प्रकार. तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी. क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन कॉमन कैटेनरी का, वो होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का h, और ये होता है x बाय सी. इक्वेशन नंबर वन दे देंगे हम लोग इसको. देन हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर cos है तो हम लोग इसको साइन लिख सकते हैं क्या, मतलब क्या कि s इज इक्वल टू सी साइन h x बाय सी. और ये फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ा था कैलकुलस में, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर टू. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये सी इंटू सी सी स्क्वायर, और इस दोनों का अगर स्क्वायर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय सी एच माइनस साइन स्क्वायर एच एक्स बाय सी. तो देन अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज एज इट इज सी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स बाय सी माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय सी इज नथिंग बट वन. तो ये हो गया हमारा वन. तो अगर हम लोग इसको इधर ले लेते हैं, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको इधर फेंक देते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. दिट इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई. एंड देन अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर. थर्ड वन इज क्या कि रिलेशन बिटवीन y एंड psi. मतलब क्या कि जो ये y, ये psi एंगल जो बना रहा था उसका रिलेशन विद द वर्टिकल y एक्सिस के ऊपर, तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जैसे हम लोग को y और psi के बीच का चाहिए. तो हम लोग जानते हैं s इज इक्वल टू सी tan psi इज नथिंग बट इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी. देन अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये हो गया s इज इक्वल टू सी tan psi. देन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन निकाला है, रिलेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. तो इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एंड हमारे पास एस की वैल्यू है, तो अगर इसको हम लोग एस स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साय. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने कॉमन, तो ये टेन स्क्वायर साय को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी वन प्लस सेक स्क्वायर साय, है ना, sec स्क्वायर साय लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर साय को. तो ये हो जाएगा साय, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c स्क्वायर sec स्क्वायर साय. तो y अगर इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर देते तो y इज इक्वल टू c sec साय. हम लोगों को मिल गया रिलेशन बिटवीन y एंड साय. एंड देन हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन क्या देख रहे हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग ने y एंड psi देखे तो हम लोग देखेंगे अब x एंड psi, जिसका आंसर हमारे पास आने वाला है x इज इक्वल टू c log ऑफ sec psi प्लस tan psi. देन हम लोग को प्रूफ करने के लिए एक बेसिक कैलकुलस का एक फॉर्मूला लगेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डी एक्स बाय डी साय अगर रहता है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कॉस साय, है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक यूज़ करेंगे जो हम लोग जानते हैं कि एस इज इक्वल टू सी टेन साय. ये क्या है, ये है इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, है ना. अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है डी x बाय डी शाय. तो मगर डी एक्स बाय डी शाय को डी एक्स बाय डी एस
क्योंकि हमारे पास डी एक्स बाई डी एक्स गिवन है, मतलब हम लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है। और अगर मैं इसको डी एस बाई डी शाई लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा कि एस एस कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बाई डी शाई एस बच जाएगा। और मैं जानता हूँ डी एक्स बाई डी एस इज नथिंग बट कॉस शाई, और डी बाई डी शाई ऑफ, और हम लोग जानते हैं एस की वैल्यू वो होती है सी टेन शाई, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस शाई। और अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सी एज इट इज़, और टेन शाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर शाई, तो ये हो जाएगा कॉस शाई। और अगर हम लोग इसको सेक स्क्वायर शाई को लिख सकते हैं सी अपॉन कॉस स्क्वायर शाई, तो एक कॉस से एक कॉस हो गया कैंसल, तो ये बच गया सी सेक शाई, वन बाय कॉस इज सेक। तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई डी एक्स बाय डी शाई की। अब देन हम लोग क्या कर देंगे, इसको इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेट, है ना। इंटीग्रेट अगर हम लोग इसको करते हैं तो डी एक्स बाई डी शाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी एज इट इज, और हम लोग जानते हैं सेक शाई का इंटीग्रेट, सेक एक्स का इंटीग्रेट होता है लॉग ऑफ सेक थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे शाई प्लस टेन शाई, और इसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा ए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और हम लोगों को पता था कि हम लोगों ने जब कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट किए थे तो हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करते थे, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे इस ए की वैल्यू निकालने के लिए, पॉइंट सी कर लेते हैं हम लोग, है ना, लोवेस्ट पॉइंट सी, मतलब इस पॉइंट को हम लोग सी को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन सी बात है एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि वो वर्टिकली वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, और शाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर एंगल बना रहा है। तो ये हमारे लिए, अब इसकी एक्स इज इक्वल टू जीरो और शाई इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये सी लॉग ऑफ सेक जीरो प्लस टेन जीरो प्लस ए, तो हमारा का यहाँ पे ए इज इक्वल टू मिल जाएगा जीरो। तो इस ए इज इक्वल टू जीरो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक शाई प्लस टेन शाई, और हम लोगों को यही चाहिए था। तो हमारा ये हो गया रिलेशन बिटवीन एक्स एंड शाई। एंड देन हम लोग लास्ट रिलेशन देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा शायद, हाँ आ जाएगा, हमारा रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन टेंशन टी एंड कोऑर्डिनेट वाई, और ये जो होता है वो होता है टी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई। मतलब क्या कि जो टेंशन टी और कोऑर्डिनेट वाई है हम लोगों को इसका रिलेशन बताना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने प्रूफ किए थे कार्टेशियन, हाँ इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, तो हम लोगों ने मान लिया था कि ये टी जीरो है, मतलब टी नॉट, इसको हम लोग वहाँ पर लिखे थे टी नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि ये सी जो है वो वाई एक्सिस में लाइज कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस आई, है ना। तो हम लोग जानते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम लोग इस टी इज इक्वल टू इसको यहाँ पर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा टी ज़ीरो सेक शाई, है ना। तो अब हमारे पास टी इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको टी ज़ीरो को लिख सकते हैं डब्ल्यू सी सेक शाई, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू सी इज़ नथिंग, है ना। तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि टी ज़ीरो इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू सी है, है ना, सी इज इक्वल टू हमारा क्या है, डब्ल्यू सी है। तो ये हो जाएगा टी ज़ीरो टी नॉट के जगह डब्ल्यू सी इंटू सेक्स आए, तो ये हो गया। अगर हम लोग ऐसे वाई निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी सेक शाई, है ना। तो ये हो गया टी इज इक्वल टू ओमेगा वाई, तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन टेंशन टी एंड कोऑर्डिनेट वाई, मतलब टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। तो ये हो गए हमारे
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटेनरी। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके और हम लोगों ने जो इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी फाइंड आउट किया है उसके ऊपर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली मुलाकात में होंगे क्वेश्चंस के साथ। देन जब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस एक बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को, ये जो सी सेक्स आई है इसको हम लोगों ने वाई इस इक्वेशन से लिखा है, है ना, मतलब रिलेशन बिटवीन वाई एंड शाई से लिखा है। और जैसे हम लोगों ने इस टी को इधर लिए तो ये कॉमन सी बात है, कॉस का सेक हो जाएगा। और हम लोगों ने जब इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी पढ़ा था तो हम लोगों ने इसको जब बैलेंस किया था तो ये टी जीरो इज इक्वल टू टी कॉस साई था, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू सी सेक्स साई। तो हम लोगों ने क्या किए, वाई कोऑर्डिनेट मतलब इस इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को यूज़ किए, तो ये हो गया टी इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू और ये सी सेक्स साई इज वाई। तो ये हो गया हमारा टी और वाई के बीच का रिलेशन।